नमस्कार दोस्तों, मशीन्स आजकल हमारे रोज के इस्तेमाल होने वाली सामानों से लेकर बड़े बड़े गाड़ियाँ भी बहुत तेजी से बनाकर काम आसान कर देती है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आपकी फेवरेट मनपसंद ऑडी कार, ट्रैक्टर, ट्रक्स फैक्ट्री में किस तरह बनती है। सिर्फ यही नहीं, वीडियो में आप और भी कमाल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। चलिए देखते हैं कि ये बड़े गाड़ियाँ किस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी को दबा देना। ट्रक मेकिंग प्रोसेस। ट्रक जितना ही भारी होता है उतना ही भारी काम इसका मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। तो दोस्तों, हमारे पूरे देश में माल सप्लाई करने वाली ट्रक्स को बनाने के लिए सबसे पहले ट्रक का कैबिन बनाया जाता है। ट्रक का कैबिन बनाने के लिए स्टील मेटल से तैयार किए गए ट्रक्स के कैबिन के सभी पार्ट्स को आपस में वेल्ड करके जोड़ा जाता है। फिर इस प्रोसेस के बाद थोड़ी देर ओल्ड वेल्डिंग करके ट्रक्स के कैबिन के नीचे का बेस तैयार किया जाता है। आगे ये रोबोटिक मशीन इस बेस के साथ ट्रक्स के कैबिन के दोनों साइड की विंडो और बैक पैनल्स को वेल्ड करके जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद ये मशीन स्टील मेटल से बनाए गए ट्रक्स के कैबिन के छत को इस तरह कैबिन के ऊपरी हिस्सा में बराबर रख के वेल्ड कर देती है। फिर ट्रक के कैबिन को तैयार कर इस कैबिन को पेंटिंग के लिए पेंटिंग शॉप में भेज दिया जाता है। यहाँ पर ट्रक के ऊपर 3 से 4 बार पेंट किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले कैबिन को एक एसिडिक क्लीनर के पेंट में डुबोया जाता है ताकि कैबिन के बॉडी में से ग्रीसिंग हट जाए। फिर कैबिन को जिंक फॉस्फेट की पेंट में डुबोया जाता है और फिर CED यानी कैथोड इलेक्ट्रो डिपोजिशन के पेंट में डुबोया जाता है ताकि कैबिन पर पेंट अच्छी तरीके से लग जाए और इसका कलर धूप बारिश कहीं पे भी ख़राब ना हो। अब कैबिन के ऊपर कलरफुल पेंट किया जाता है, देखिए इस तरह। फिर कैबिन पर पेंट होने के बाद कैबिन के अंदर के इंटीरियर तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले कैबिन का डैशबोर्ड बनाया जाता है जहां पर क्लच, कैबिन का वायरिंग और फिर ये सब होने के बाद कैबिन के ऊपर डैशबोर्ड को लगाया जाता है। अब आगे फिर इसमें कैबिन का विंडो फिट किया जाता है, जिसके बाद ट्रक के कैबिन के सामने का शीशा लगाया जाता है। फिर कैबिन में सीट लगाते हैं। अब आगे स्टीयरिंग को फिट करके कैबिन के फ्रंट के कवर को चढ़ा दिया जाता है। फिर इस प्रोसेस के बाद बनाया जाता है ट्रक्स के फ्रेम और नीचे वाले हिस्से को, जिसमें ड्रिलिंग मशीन द्वारा इंजन, हेडलाइट्स और गियर आदि को जोड़ने के लिए छेद किया जाता है। इसके बाद इसमें अन्य कंपोनेंट्स जैसे इंजन माउंट्स, सस्पेंशंस, ब्रैकेट्स और एयर टैंक को मजबूती से बोल्ट किया जाता है। अब इस फ्रेम में 5 एक्सल को लगाया जाता है, जिसके मदद से ट्रक के सभी पहियों को कंट्रोल किया जाता है। फिर प्रोपेलर शाफ्ट को लगाया जाता है। दोस्तों, इसके जरिए ही इंजन का पावर पूरे ट्रक में ट्रांसफ़र हो पाता है। अब ट्रक्स का बेस तैयार होने के बाद इसमें इंजन को फिट करके ट्रक्स के कैबिन को इस बेस के साथ अटैच किया जाता है। आगे फिर सभी टायरों को असेंबल करा जाता है। उसके बाद इन ट्रक्स का टेस्ट किया जाता है। फिर लास्ट एंड फाइनल इंजन टेस्टिंग करके इन ट्रक्स को शोरूम पे सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। कार मेकिंग प्रोसेस। पूरी दुनिया में ऑडी, BMW अपनी लग्जरी और रहीसी कारों के लिए मशहूर है। तो चलिए आज देखते हैं कि ये ऑडी, BMW कार इतनी महंगी क्यों होती है और इसे बनाए कैसे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कार का बॉडी बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का स्टील यूज़ किया जाता है। स्टील शीट्स के बड़े बड़े रोल को सबसे पहले एक मशीन छोटे छोटे पीस में काट देती है। फिर इन कटे हुए पीसेस को आगे ले जाकर दूसरी मशीन कार के बॉडी के छोटे बड़े सभी पार्ट्स को तैयार कर देती है, जिसके बाद इन सभी बॉडी पार्ट्स को एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे भेज दिया जाता है, जहां पर कंप्यूटर से कनेक्टेड सभी रोबोटिक मशीन के मदद से कार के सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ा जाता है। ये रोबोट्स इतना बढ़िया ढंग से काम कर देती है कि हर काम इसका 100% सही और साथ ही कमाल के टाइमिंग पे पूरा काम कंप्लीट कर देती है।
फिर इसी तरह अलग अलग रोबोट्स अपने अपने हिस्से का काम पूरा करते चले जाते हैं, जिसके बाद इस कार के बॉडी को आगे ले जाकर रोबोट द्वारा कार का छत लगाए जाते हैं। अब आगे फिर कार के पीछे डिग्गी वाला पार्ट को लगाया जाता है और साथ ही कार का बोनेट भी चढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही कार का पूरी स्टील बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। इस प्रोसेस के बाद कार के पूरी बॉडी को एक ऐसे लिक्विड में डाला जाता है जिससे कार पर पेंट अच्छी तरीके से चढ़ जाए। फिर इस लिक्विड में डुबोने के बाद कार के बॉडी को कन्वेयर बेल्ट के मदद से पेंट रूम में भेज दिया जाता है। यहाँ पर पेंट करने का काम सब रोबोटिक मशीन खुद ही कर लेती है। कार के बॉडी पर कंपनी को जिस कलर का भी पेंट करना होता है वही कलर कंप्यूटर में सेलेक्ट कर दिया जाता है और फिर बाकी पेंट करने का सारा काम रोबोटिक मशीन अपने आप खुद कर देती है। इन सभी कारों को पेंट करने के बाद इन्हें लिफ्टिंग बेल्ट से आगे असेंबल डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहां पर कार के बैक में प्लास्टिक कवर के डिजाइन को लगाए जाते हैं। ये सब होने के बाद दूसरे वॉकर्स कार के अंदर का डैशबोर्ड को पूरी तरह से तैयार करते हैं और फिर इसे रेडी करने के बाद एक रोबोटिक मशीन के मदद से इसे उठाकर कार में फिट कर देती है। अब आगे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस द्वारा कार के अंदर का वायरिंग का काम पूरा किया जाता है। यहाँ पर कार के भीतर के इंटीरियर जैसे क्लच, एसी वगैरह को फिट किया जाता है, जिसके बाद कार को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे ले जाया जाता है, जहाँ पर रोबोटिक मशीन द्वारा कार का फ्रंट और बैक में शीशा लगाया जाता है। इस प्रोसेस के बाद रोबोटिक मशीन के मदद से कार का इंजन को तैयार किया जाता है और फिर कार के नीचे वाले हिस्से फ्रेम को भी रेडी किया जाता है। देखिए इस तरह। अब आगे कार की इस फ्रेम और तैयार बॉडी दोनों को असेंबल लाइन पे भेज दिया जाता है, जहां एक लिफ्टर मशीन इंजन वाले भाग को ऊपर उठाकर बॉडी के साथ फिट कर देती है और फिर ऐसे ही कार के नीचे वाले हिस्से ऊपरी बॉडी के साथ फिक्स हो जाती है। अब इसके बाद एक मशीन के जरिए कार में सीट लगाई जाती है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कार के चारों टायरों को लगाए जाते हैं और साथ ही विंडो को भी फिक्स किए जाते हैं। ये रोबोटिक मशीन कार के डोर को बड़े ही आसानी से उठाकर कार में फिट कर देती है और फिर आगे कार के फ्रंट में प्लास्टिक बम्पर, गार्ड एंड हेडलाइट्स को भी फिट किए जाते हैं। अब आखिर में कंपनी कार पर अपनी अपनी कंपनी की लोगो लगाती है और फिर सबसे लास्ट में एक्सपर्ट्स द्वारा कार को टेस्ट किया जाता है कि कार में कोई कमी तो नहीं है। फिर ड्राइव टेस्ट सब कुछ होने के बाद कार को शोरूम में भेज दिया जाता है। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि ये मिनटों में खेत को जोतने वाला भारी भरकम ट्रैक्टर फैक्ट्री में किस तरह बनाए जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि ये फैक्ट्री में किस तरह बनती है। सबसे पहले फैक्ट्री में ट्रैक्टर के नीचे वाला हिस्सा बेस को बनाया जाता है। फिर इसके बाद शुरू होता है असेंबली का काम, जहां ट्रैक्टर के सभी इंटरनल पार्ट्स को आपस में एक एक करके जोड़ा जाता है, जैसे कि गियर एक्सल को गियर बॉक्स के साथ जोड़ा जाता है, फिर उसमें गियर ऑयल को भी डाला जाता है। ये सब होने के बाद इसे दूसरी जगह शिफ्ट करके इसमें क्लच और ब्रेक पेडल्स फिट किए जाते हैं। फिर आगे उसमें अटैच करते हैं ट्रैक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, उसका इंजन, जो कि सबसे पावरफुल होता है। अब इसमें हाइड्रोलिक पंप को जोड़कर आगे टायर को लगाने के लिए इसमें फ्रंट एक्सल को भी जोड़ दिया जाता है। फिर ऐसे ही ट्रैक्टर का नीचे का हिस्सा पूरा तैयार हो जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद इन्हें धोने के लिए वॉशिंग सेंटर तक ले जाया जाता है और वॉश हो जाने के बाद उन पर कलर की कोटिंग की जाती है। फिर अब पीछे के एक्सेल पर बैठने के लिए सीट को लगाकर इसमें तेल की टैंकी को लगाई जाती है, जिसके बाद आगे और पीछे के चारों टायरों को चढ़ा दिए जाते हैं
आप ट्रैक्टर्स के आगे हेडलाइट्स और हॉर्न को फिट करते हैं। फिर आगे ट्रैक्टर पर स्टेयरिंग और ड्राइवर सीट फिट किए जाते हैं, जिसके बाद कंपनी अपनी लोगो लगाती है। ट्रैक्टर की असेंबली पूरी होने के बाद आगे कर्मचारी की मदद से ट्रैक्टर की ड्राइविंग टेस्ट की जाती है और इस तरह से ट्रैक्टर पूरी तरीके से रेडी हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आगे भी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी को दबा देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना।